उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में हो रही अच्छी बारिश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट। देश भर के मौसम में फिलहाल बदलाव हुआ है, तपती गर्मी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्री मॉनसून में ही कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही है, इससे गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 14 मई तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में और 14 मई तक राजस्थान में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के राज्यों में झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। यूपी के कई इलाकों में 4 दिन से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 44 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, साथ ही इस दौरान ओले भी गिरने की संभावना जताई। यूपी के इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं विभाग ने आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, विदिशा, मंडला, रायसेन, सीहोर, धार, इंदौर, रतलाम, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। वहीं ग्वालियर, सागर, खरगोन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, लतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, मऊगंज, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, महिया, छतरपुर, डिंडोरी हल्के में बारिश होने की संभावना जताई गई है। जयपुर में भी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने सीकर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, नागौर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी को ओलावृष्टि और मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश की संभावना जताई है। कोटा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, पाली और चुरू में येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के 19 जिलों में सर्वाधिक बारिश होने का अनुमान है। ये बारिश 13 मई की रात और 14 को भी हो सकती है। इसके साथ ही ठनका गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीवान, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। बिहार के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट 13 मई को दिन में ही जारी कर दिया गया है। इन जिलों में 14 मई तक तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर समेत राज्य के कई जिलों में फिर से बारिश होगी, इसकी घोषणा मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बिहार से पहले गर्जन के साथ हवाएं चल सकती हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में बारिश हो सकती है।